मुझे किताब पहले दी थी और मुझे पता था उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, यूनिक है और काफ़ी फनी है. नॉर्मली हम पढ़ते हैं अगर रामायण या महाभारत इस तरह की, इन पे जो सीरियल्स भी बनते हैं वो काफ़ी सीरियस बनते हैं. आई थिंक इक्की दुखी फिल्मों में इनका एक फ़नी रेफरेंस है, जैसे जाने भी दो यारो इस तरह का. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहानी कही गई है और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कुंती गांधारी और द्रौपदी बर्गर खाने के लिए वापस धरती पर आएंगी. तो काफ़ी फ़नी था, तो मुझे लगा आई शुड बी हियर फॉर दैट. किस तरह की बुक पढ़ना पसंद करती है? इस तरह की डेफिनेटली काफ़ी सारा नॉन फिक्शन भी पढ़ती हूँ. सलमान रश्दी, कई लोक कहानियाँ पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, बच्चों की कहानियाँ भी पढ़ना अच्छा लगता है. तो बेसिकली पढ़ना अच्छा लगता है, बस समय होना चाहिए. रिचा, जिस तरह के भारत में हालात चल रहे हैं, इस समय वॉर की कंडीशन आ गई है, आपका क्या टेक है? मुझे लगता है वॉर होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए. हम बाकी चीज़ों पे देयर इज मोर थिंग्स टू स्पेंड ऑन लाइक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. पर माहौल दुखद है बहुत. मुझे तकलीफ हुई सुन के कि सोते हुए सैनिकों पे हमला हुआ. बहुत ही एक कावर्डली एक्ट लगा मुझे, बहुत तकलीफ़ हुई सुन के. और उन फैमिलीज़ के लिए बहुत तकलीफ हुई जिन्होंने अपने जवान घर के आदमी इस तरह से खो दिए. क्रिएटिविटी की अगर बात हो तो क्रिएटिविटी में आजकल ये हो रहा है कि आज सुभाष चंद्रा जी ने दी के जो ओनर हैं उन्होंने ये कहा कि अब जिंदगी में जितने भी पाकिस्तानी सीरियल्स आएंगे वो बंद कर दिए जाए. क्या आप चाहती हैं कि कलाकारों के साथ भी ऐसा हो? नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? लेकिन अगर भारत रेवेन्यू जनरेट करा रहा है किसी कलाकारों को तो कम से कम उनको भी तो सर वो भी हमें रेवेन्यू जनरेट कराते हैं. हमारा सॉल्ट और शुगर वहाँ इम्पोर्ट होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है. बात ये नहीं है. मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट है और टेररिज्म है तो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पर अपना काम करने दीजिए. उनको पता है उन्हें क्या करना है. हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं, सेना भी इतनी सशक्त है कि वो ये कदम उठा सकते हैं. इसमें कलाकारों को जोड़ना मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़ायदा होगा. ए दिले मुश्किल रईस, इसका भी MNS ने रिचा बोला है कि हम रिलीज नहीं होने देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं? अब तो इस चीज़ से फिल्में कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही हैं, तो आपका इस पर क्या टेक है? अफेक्ट मुझे नहीं लगता कि होंगी अफेक्ट. जब मैं चाहूँगी कि तब तक कोई एक पीसफुल सोल्यूशन निकल जाए. जैसा कि मैंने कहा कि कलाकारों को इससे दूर रखना चाहिए क्योंकि कलाकार कभी मारपीट और कत्लेआम की बात नहीं करते. गाने गाते हैं, पीस के गाना गाते हैं. और आप कई आप गाने सुनिए, पाकिस्तानी कई कोक स्टूडियो के एक्टर्स आर्टिस्ट हैं जो गाने गाते हैं, उनमें हमारे देश की कविताएं खड़ी बोली के भजन गाते हैं वो लोग. तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कलाकार ये सोच के गाते हैं कि हम अबीदा परवीन या इस तरह के कलाकार कभी ये सोच के नहीं गाते कि कत्लेआम हो. मुझे नहीं, मुझे लगता है कि ज़रूर जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ कड़ी तौर पे पेश आना चाहिए. पर आप और मैं लड़ाई नहीं करते, उसी तरह कलाकार भी आम इंसान होते हैं, उनको लड़ाई पसंद नहीं होती.